दोस्तों, मसालेदार भोजन खाने की वजह से या ज्यादा खा लेने से और लाइफस्टाइल में कमी के कारण कई बार बदहजमी की समस्या हो जाती है। अपाच होने के कारण पेट में दर्द, सूजन, जलन और उल्टी जैसे लक्षण नजर आते हैं। बदहजमी की समस्या होने पर लोग दवाइयों का सेवन शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा दवाइयों का सेवन भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसे में बदहजमी से जल्दी राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों की मदद ली जा सकती है। ये उपाय करने से बदहजमी दूर होने के साथ साथ उल्टी की समस्या और जी मचलने की समस्या भी दूर हो जाती है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा बदहजमी दूर करने के कुछ घरेलू उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नींबू और अदरक के पानी के बारे में। नींबू और अदरक का पानी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको बनाने के लिए एक गिलास पानी को गर्म कर लीजिए, उसमें एक चम्मच अदरक को ग्रेट करके डाल लीजिए। उसके बाद इस पानी को उबलने दें। गुनगुना होने पर इस पानी में नींबू के रस की बूंदे और शहद को मिलाकर पी लीजिए। ये पानी आसानी से बदहजमी को दूर करेगा और पेट में बन रही गैस को भी दूर कर देगा। उसके बाद है सौंफ। सौंफ की मदद से भी बदहजमी और आपच को आसानी से दूर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सौंफ बीज को एक गिलास पानी में उबाल लें, फिर इस पानी को छानकर गुनगुना होने पर पी लीजिए। ये उपाय करने से उल्टी की समस्या दूर होने के साथ साथ बदहजमी भी दूर हो जाएगी। थर्ड नंबर इज जीरे का पानी। जीरे का पानी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जीरे का पानी बनाने के लिए एक चम्मच जीरे को एक गिलास पानी में उबाल लें। उसके बाद इस पानी को सिप सिप करके पी सकते हैं। ये पानी बदहजमी और आपस से तुरंत आराम देता है। दोस्तों, बदहजमी दूर करने के लिए इन उपायों की मदद ली जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे अगर आपको कोई बीमारी या एलर्जी की समस्या है तो डॉक्टर से पूछकर इनका सेवन करना सही होगा, अन्यथा इसके जिम्मेदार हम नहीं है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।